तो देखो भाई लोग, वैसे तो मैं बहुत दिनों से परेशान चल रहा था कि इस यूनिवर्स का नाम क्या है, स्त्री यूनिवर्स, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, हॉरर कॉमेडी सुपर नेचुरल यूनिवर्स। लेकिन फिर मुझे लगा कि छोड़ो यार, गूगल खोलते हैं, विकीपीडिया पे देखते हैं। विकीपीडिया पे है यहाँ पर मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स, सो दिस इज गुड। यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस का भी नाम आ गया और पता भी चल गया कि किस बारे में है, सुपर नेचुरल यूनिवर्स। तो चलो, मेरा ये तो टेंशन दूर हो गया, लेकिन अभी तुम टेंशन में होगे कि क्या बात कर रहा है, क्या टाइटल था, क्या थंबनेल था और बात क्या कर रहा है। तो को भाई आते हैं टॉपिक पर, लो आ गए। तो इस वीडियो में बात होने वाली है मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज, यानी कि जो आने वाली मूवीज है उनके साथ ही साथ हम बात करेंगे जो रिलीज हो चुकी है उन सभी मूवीज के बारे में, यानी कि ओवरऑल मजा तुमको ज्यादा आने वाला है, ठीक है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। तो चलो फिर यारो, शुरुआत करते हैं उन मूवीज के साथ जो कि रिलीज हो चुकी है। अब भले ही प्लान्स ना हो, लेकिन इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2018 में आई मूवी स्त्री के साथ। लोगों ने उस टाइम तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, हाँ देखा था लेकिन बहुत पहले भूल भुलैया में। बाकी फिर भूल भुलैया मूवी के बाद यहाँ पर पूरे इंडियन सिनेमा में, नहीं इंडियन सिनेमा में तो नहीं, खास कर बॉलीवुड में ऐसा कोई हॉरर कॉमेडी कॉन्टेंट बना हो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। बाकी अगर आप में से कोई बॉलीवुड को काफी पहले से ही फॉलो कर रहा है तो उसे शायद से पता होगा कि स्त्री से पहले भी कोई हॉरर कॉमेडी कॉन्टेंट आया था या नहीं। अगर आप ऐसे कोई जानता है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी ये बात करें स्त्री मूवी की, तो वो कनेक्ट इसीलिए कर गई थी क्योंकि काफी टाइम तक लोगों ने ऐसा कुछ भी देखा नहीं था, काफी फ्रेश कंटेंट था वो। एंड हाँ, आई होप सो कि तुम यहाँ पर इससे भी एग्री करोगे कि कॉमेडी की वजह से ही चली थी वो मूवी, हॉरर तो इसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं। और जहाँ जहाँ पर एक्चुअल हॉरर था वहाँ पर भी कॉमेडी घुसेड़ी गई थी और इसीलिए इस मूवी को हॉरर कॉमेडी के जॉनरा में रखा गया है, ठीक है। अब भाई लोग, स्टोरी एकदम सिंपल है, ठीक है। चंदेरी नाम का एक गाँव है, वहाँ पर बहुत पहले, काफी समय पहले, एक औरत पर अत्याचार किया गया था चंदेरी के लोगों के द्वारा, खास कर मर्दों के द्वारा। तो अब वो भूत बनकर मर्दों को उठाकर लेकर जाती है बिना कपड़ों के और अपने सारे हीरोज मिलकर उसको बचाते हैं। सारे इसलिए बोला, मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस यूनिवर्स में 2018 की स्त्री मूवी के बाद सीधा 2022 में जाकर रिलीज होती है इसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट भेड़िया। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना टाइम क्यों लगा दूसरी मूवी आने में, बताया ना प्लान नहीं था इनका। वो तो यहाँ पर भेड़िया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जना और विक्की को दिखाया गया, उसके बाद हमें पता चला कि ओ यूनिवर्स, बढ़िया है। अब भाई लोग, वैसे यहाँ पर ये भेड़िया मूवी इतनी ज्यादा भी कनेक्ट नहीं करी थी यहाँ पर ऑडियंस के साथ, इसलिए इतनी ज्यादा भी नहीं चली। अब पता नहीं यार, यहाँ पर ऑडियंस के साथ ये मूवी कनेक्ट नहीं कर पाई या फिर 2022 में माहौल ही ऐसा चल रहा था कि बॉलीवुड की कोई भी मूवी नहीं चल रही थी तो ये भी नहीं चली। वैसे भेड़िया मूवी टेक्निकली काफी ज्यादा अच्छी थी और नो डाउट की जोक्स भी कुछ कुछ लैंड कर रहे थे और कुछ कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी ये मूवी, ओटीटी पर आने के बाद इसको काफी ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिला और काफी अच्छा खासा कलेक्शन भी कर लिया था। फ्लॉप तो नहीं हुई थी ये मूवी, हाँ फ्लॉप थी लेकिन इतनी बड़ी वाली भी नहीं। कहानी सिंपल है, अपना भास्कर जाता है अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में, वहाँ पर रहने वाले लोगों को समझाता है कि मैं रोड बनाऊंगा और तुम उस पर चलना डेवलपमेंट जंगल काट के। तो वहाँ पर एक भेड़िया, सॉरी फीमेल भेड़िया को ये सब कुछ पसंद नहीं आता, तो फिर वो एक चाल चलती है, डॉक्टर बनकर आती है उनके पास। ओह सॉरी, ये तो स्पॉइलर ही दे दिया, अब जाके क्या देखोगे तुम, कोई ना ये वीडियो देख लो। अच्छा, अब भाई लोग, 2022 की भेड़िया मूवी के बाद यहाँ पर इस यूनिवर्स की अगली मूवी रिलीज होती है 2024 में मुंजिया। मतलब टाइम तो लेते हैं ये लोग, और इसीलिए हमें इस यूनिवर्स की हर एक अगली मूवी के साथ एक न्यू और फ्रेश स्टोरी देखने को मिलती है। और झूठ नहीं बोलूंगा, इनकी मूवी का जो ह्यूमर रहता है ना वो भी चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही स्लैपस्टिक कॉमेडी कर रहे हैं ये लोग। हर मूवी के साथ ही अपने जोक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कुछ हिट करते हैं कुछ नहीं। और देखो मैं बता देता हूँ, कितना भी अच्छा जोक हो अगर तुम मूड में नहीं हो तो तुम्हें हंसी नहीं आएगी। और जब यहाँ पर स्त्री के पार्ट वन और भेड़िया मूवी ने यहाँ पर बार सेट कर दिया हो और उससे नीचे की कोई चीज हमें देखने को मिले तो पसंद नहीं आती है। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे मुंजिया मूवी काफी अच्छी लगी थी, मुझे हंसी भी आई थी और ये हरे गोटे से डर भी लगा था मेरे को। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री के पार्ट टू की हाइप बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर इन्होंने मुंजिया मूवी को रिलीज किया था, क्योंकि कोई भी प्रमोशंस वगैरह नहीं किए गए थे मुंजिया मूवी के, वो तो इसका कॉन्टेंट ऐसा था और लोगों का मूड था तो ये मूवी चल गई। अब भाई लोग, इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी की क्या ही बात करें, विकीपीडिया पे पढ़ लेना, सॉरी तुम आए हो तो बताई देता हूँ। बिट्टू नाम का एक लड़का है और उनकी एक पूरी फैमिली रहती है गांव में, वहाँ पर उनकी दादी भी रहती है। दादी का एक भाई था जो कि बचपन में चमड़ी था, अपने से बड़ी एज की एक लड़की मुन्नी से वो शादी करना चाहता था लेकिन नहीं करवाई उसकी मम्मी ने। तो बस ऐसे काला जादू वगैरह करता कुछ मर गया और अब वो ब्राह्मण था तो बन गया मुंजिया, और अब बिट्टू जो कि उसी के खानदान का है उसी को परेशान कर रहा है। ये स्टोरी, चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद मूवी रिलीज होती है स्त्री 2 और उसने क्या बवाल मचाया था ये मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। स्त्री 2 के जोक्स A1, स्त्री 2 में सभी की परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया, स्त्री 2 का हॉरर मैं नहीं डरता, और स्त्री 2 का विलन बिना सर के सर कटा, सर है लेकिन घूमता रहता है। तो भाई लोग इस मूवी को स्पेशल बनाते हैं इसके जोक्स यानी की इसकी कॉमेडी और इस मूवी के चलने की वजह यानी की ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की वजह फ्रेंचाइजी वैल्यू तो है ही, लेकिन एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अभी अभी मुंजिया देखकर खत्म करी थी लोगों ने और उसके बाद तुरंत ही उन्हें इतना अच्छा माल मिल गया तो टूट पड़े लोग। वैसे आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में लेकर जरूर से बताना कि ये पॉइंट वैलिड है या नहीं। तो भाई लोग बात करें मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी में एक नए विलन को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले के पार्ट 1 में यहाँ पर स्त्री जी ही विलन थी, लेकिन उसके बाद स्त्री जी को पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाना था तो इसलिए उस मर्द को ही भूत बना दिया जिन्होंने की इन पर अत्याचार किया था यानी की चंद्रभान यानी की अपना औजी बन सकता था जो सर कटा। फिर एंडिंग में जिस तलवार के साथ यहाँ पर चंद्रभान को मारा था स्त्री जी के भूत ने, वैसे ही यहाँ पर चंद्रभान के भूत को भी स्त्री जी का भूत उसी तलवार से मारता है। क्या बोला नहीं मैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन हो गया। तो चलो अब रिलीज हुई मूवीज के बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अपकमिंग मूवीज के ऊपर। स्त्री 2 के बाद जो भी अपकमिंग मूवीज है ना यहाँ पर मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की, उनमें सबसे पहला नाम आता है 2025 की दिवाली पर रिलीज होने वाली थमा, जिसमें कि हमें आयुष्मान खुराना एक वैम्पायर के रोल में नजर आने वाले हैं और इसका सबसे पहले नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था, लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया, थोड़ा ट्रेडिशनल रखने का सोचा, काफी अच्छा डिसीजन है। तो भाई लोग यहाँ पर इस थमा मूवी में हमें आयुष्मान खुराना के साथ साथ रश्मिका मंदाना भी देखने को मिलने वाली है, तो देखते हैं कि उनका कैरेक्टर क्या रहता है। और अब आगे बढ़े इस वीडियो में और बात करें एक और अपकमिंग मूवी की, तो वो है सुनहरी सुनहरा। इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, बस इस मूवी को सिर्फ एक इवेंट में अनाउंस किया गया है, इसके बारे में कुछ भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ना ही तो इसके कुछ रूमर्स है, तो हम सिर्फ इसकी स्टोरी के बारे में गैस ही कर सकते हैं। तो भाई लोग मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेगी ये मूवी, क्योंकि हमें यहाँ पर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम अभी तक भी नहीं बताया गया है, तो क्या पता हमें इस मूवी में रिवील किया जाए, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब भाई लोग वैसे तो लिस्ट में कई सारी और अपकमिंग मूवीज है जैसे कि स्त्री का पार्ट 3, मुंजिया का पार्ट 2 और भेड़िया का पार्ट 2, लेकिन अब इनके बारे में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। हाँ, स्त्री 3 को लेकर कुछ बात करने को है, चलो फिर करते हैं। अब भाई लोग मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहाँ पर जो स्त्री का पार्ट 3 रहेगा ना, वो इस यूनिवर्स का एंड गेम होगा, जहाँ पर कि हमारे सारे हीरोज जो कि काफी अजीब है, एक भेड़िया है, एक आधा इंसान है और एक तो जिंदा भी नहीं है, और एक वो है जिसके पास सिर्फ अच्छाई की पावर्स है, और यहाँ पर अपने ये सारे ही अतरंगी हीरोज मिलकर लड़ेंगे यहाँ पर सरकटे और मुंजिया जैसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ। और भी कई सारे विलन्स को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है अमर कौशिक, देखते हैं कि कब करते हैं वो और कौन सी मूवी के साथ। सो बस भाई लोग अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और जाने से पहले मैं तुमको ये भी बताना चाहता हूँ, ये भी मेरा पर्सनल थॉट ही है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर पर भी एक मूवी आनी चाहिए, ये तो डिमांड रखनी चाहिए हमें भाई। वैसे भी अपने अक्षय बाजी का करियर इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक मूवी बना दोगे मैडक वालों तो कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। और वैसे भी काफी दमदार कैरेक्टर लिखा है अक्षय बाजी का स्त्री पार्ट 2 में। अब इसको लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर से बताना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। और इससे पहले सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अब बाय।